हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जुनैद अजीज़ और आज मैं मौजूद हूँ ब्रावो जिम में। शायद कभी मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने बॉडी बिल्डिंग, मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली बॉडी बिल्डिंग करने की, मैं कहाँ से आया बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में। तो आज मैं मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे। तो फ्रेंड्स, समझ तो गए होंगे यही हैं मेरी बॉडी बिल्डिंग की इंस्पिरेशन, क्योंकि मेरे बचपन में ये कार्टून बड़े मशहूर थे और उनके बॉडी का जो स्टाइल था मुझे काफ़ी पसंद था। तो इनको देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ और सोचा क्यों ना मैं भी बॉडी बिल्डिंग करूँ लाइक जॉनी ब्रावो। तो आज मैं मौजूद हूँ ब्रावो जिम में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ थाइस की एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं थाइस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी वार्म अप, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप लाजमी करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बिना आप कोई भी वर्कआउट डायरेक्ट स्टार्ट ना करें। मैं तो वार्म अप कर चुका हूँ, स्ट्रेचिंग भी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ वार्म अप की तरफ। और वार्म अप और स्ट्रेचिंग के लिए मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ, मेरी पहली जो वीडियो है उसको मैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप क्लिक कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग किस तरह होती है। देन सडन स्टार्ट करें फिर लाइक। तो गाइस, ये है पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सरसाइज हैं, जो वर्कआउट्स मैं बताता हूँ, फिलहाल तो मैं सिर्फ बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हर कोई ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज और वर्कआउट्स फॉलो कर सकता है इजीली, क्योंकि मैं स्टार्ट बता रहा हूँ बिगनर्स के लिए। तो आज हम जो थाइस लगा रहे हैं, तो थाइस का स्टार्ट हम लेंगे सेटअप से। सेटअप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खासतौर पर जब आप लेग्स लगाते हैं, तो लेग्स को स्टार्ट करने से पहले थाइस सेटअप लगाना बहुत ज़रूरी है। उसे लगाने का तरीका ये है कि आपने अपनी टांगें खोलनी अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग, हाथ बांध लिया ऊपर, कमर सीधी और देन स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप नीचे जाते हैं तो काफ़ी लड़के ये गलती करते हैं कि जब वो नीचे बैठते हैं ऊपर आते हैं तो पूरे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। आप जब स्टार्ट लेते हैं, आप नीचे गए और देन ऊपर आए, पर घुटने आपको सीधे नहीं करने, क्योंकि जब आप घुटने सीधे करते हैं आपका जो प्रेशर होता है आपकी थाइस पे वो रिलीज़ हो जाता है। आपको ये नहीं करना, आपको अपनी थाइस पे प्रेशर बना के रखना है। तो इसके लिए आप ये करेंगे, नीचे गए तो थोड़ा ऊपर आए, अपने घुटने कर्व रखे और साथ ही साथ करते रहेंगे, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। 30 या फिर 30 प्लस आपको लगानी है इसके जो सेट और जो क्या कहते हैं रेप्स हैं, 30 या 30 से अबव भी लगा सकते हैं तो आप बिल्कुल लगाएं। लेकिन ये आपको अपनी थाइस को नॉर्मल नहीं छोड़ना, आपको सीधा खड़ा नहीं होना, मुसलसल लगाते रहना है। और नीज जो आपके होंगे, घुटने जो होंगे, सॉरी आपके जो घुटने होंगे उसे थोड़ा बेंड रखेंगे यूं, इससे पूरा प्रेशर आपकी थाइस पे होगा और आपकी थाइस अच्छे से वार्म अप हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी कि रेडी टू वार्म अप एंड वर्कआउट। तो लाइक इसी तरह सारा प्रेशर आपकी थाइस पे रहेगा, घुटने ऊपर आते वक्त सीधे नहीं करने, थोड़े कर्व रखने हैं ताकि प्रेशर बना रहे आपकी थाइस पे, ठीक है। और अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस, ये थाइस की पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट वर्कआउट है थाइस के लिए, जो कि बिगनर्स के लिए है। तो आए मैं आपको बताऊँ इसको लगाने का तरीका। स्टार्ट आपको ईजी हो के लेट जाना है अपनी मशीन पे और पांव आपके बिल्कुल सीधे आपके कंधे के अकॉर्डिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर आपकी पूरी टांग पे होगा, थाइस पे होगा, तो इसमें भी यही है कि जब आप नीचे, आपको अपनी थाइस को स्ट्रेच करना है और जब आप ऊपर पुल करेंगे तो आपको अपने घुटने सीधे नहीं करने, थोड़े से बैंड रखने हैं, बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल भी अपने घुटने सीधे नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं अपने घुटने सीधे कर दूंगा तो मेरा जो प्रेशर बना हुआ है मेरी थाइस पे वो रिलीज़ हो जाएगा, और मैं नहीं चाह रहा कि मेरी थाइस से वो प्रेशर ख़त्म हो, तो इसलिए मैं अपने घुटनों को थोड़ा बैंड रख रहा हूँ। इससे सारा जोर सिर्फ और सिर्फ मेरी थाइस पे आएगा। तो आपको भी यही कहूँगा, ऊपर जाते वक्त अपने घुटने सीधे ना करें। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरी थाइस तो हो गई है वार्म अप, और सच बताऊँ बड़ा दर्द हो रहा है, पर क्या करूँ, अगली वार्म अप और अगली एक्सरसाइज आपको बतानी है। तो चलते हैं अपनी अगली वर्कआउट की तरफ, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये आपकी है अगली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम शुरू करने वाले अपनी अगली एक्सरसाइज, तो आएँ
बताता हूँ कि किस तरह लगती है। आपको बैठ जाना है, अपनी कमर को पीछे बिल्कुल सीधा करके, टांगे आपके आगे की तरफ, घुटने और फिर बात फिर वही आ जाती है दोस्तों कि सारा प्रेशर आपकी थाइस पे बना हो। थाइस से बिल्कुल भी आपका प्रेशर रिलीज़ नहीं होना चाहिए और ये बहुत अच्छी वर्कआउट है आपकी थाइस साइज गेन करने के लिए, बहुत ज़रूरी है ये। बस एक बात आपने याद रखनी है कि आपका जो प्रेशर जो आपकी थाइस पे बना हुआ है वो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी एक और वर्कआउट और अब मैं आपको लास्ट वर्कआउट बताने वाला हूँ थाइस के लिए, तो चलें फिर आखिरी वर्कआउट लगा लें। सो गाइज, ये आपकी लास्ट वर्कआउट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ थाइस के लिए। तो मैंने बैठ क्यों गया, मुझे तो आपको वर्कआउट बतानी है। चलें शुरू करते हैं, लास्ट वर्कआउट लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका है, आपको यूँ लेट जाना है, अपनी टांगें वहाँ रख देनी है और देन बस थाइस से अपना प्रेशर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, तो अगर बार बार एक बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़रूरी बात है। अपनी टांगों को सही से स्ट्रेच करें, तो गाइस ये था। वैसे तो ये लास्ट वर्कआउट थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन अभी भी एक चीज़ रहती है आपके क्वाड्स, तो क्वाड्स भी आप लगा सकते हैं क्योंकि वो भी थाइस का हिस्सा है। वो तो मैं बताना भूल गया था इसीलिए, बाकी मैं आपको क्वाड्स भी बता देता हूँ। जब क्वाड्स लगा लेंगे उसके बाद आपके लेग्स की एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। तो आए लास्ट आपको बता दूँ क्वाड्स कैसे लगते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, ये आपकी लास्ट वर्कआउट है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्स, तो आए शुरू करते हैं अपनी क्वाड्स की एक्सरसाइज। पहले मैं बता दूँ कि क्वाड्स लगाने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले अपने पाँव को रखेंगे यूँ, जो कि आपके इनर को इफेक्ट करेगा, और देन आता है यूँ, और उसके बाद आता है यूँ। ये तीन पोजिशंस हैं क्वाड्स लगाने की, जो तीनों आपको लगानी है। तो आए मैं आपको बता दूँ किस तरह लगेंगी ये। आपको अपने पंजे रखने हैं इस तरह, पंजे आपके ऊपर रहेंगे और एड़ी नीचे। देख रहे होंगे आपके पूरा जोर मेरे क्वाड्स पे आ रहा है। तो पहले मैंने स्टार्ट लिया है स्ट्रेट से, जब आपके ये 10 रेप पूरे हो जाएं, देन आप चेंज कर देंगे अपने पाँव को और आ जाएंगे वी शेप में, ठीक है, जो कि होगा आपके आउटर क्वाड्स के लिए। और ये होने के बाद आप फिर अपना पाँव चेंज कर देंगे और आ जाएंगे इनर की तरफ, ये आ गए इनर। सो गाइज, आपकी सारी वर्कआउट हो चुकी है जो मैं आपको बता चुका हूँ क्वाड्स के बारे में भी, और क्वाड्स के तरीके बता चुका हूँ कि आप सबसे पहले स्टार्ट लेंगे स्ट्रेट से, ठीक है, ये आपके पैर हैं इस तरह। जब आपके 10 रेप्स पूरे हो जाएं फिर आप चेंज करेंगे इसको इस तरह वी शेप में, और देन आप फिर इनर की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपके पूरे क्वाड्स को इफेक्ट करेगा, बहुत ज़रूरी है। तो 10-10 रेप करके आपको ये तीनों लगाने हैं एक साथ, ठीक है दोस्तों। बाकी आज की वर्कआउट मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके साथ साथ मेरा बिगनर प्लान अब कम्प्लीट होता है, और आगे मैं आपको वीडियोस बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार। तो एक्सरसाइज करो, बॉडी बिल्ड करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, आइकन का बटन है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी छोड़ें, और शेयरिंग करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके जो दोस्त होंगे उन्हें भी तो पता चलेगा कि किस तरह होती है बॉडी बिल्डिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।